आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की फर्स्ट क्लास विद इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, तो हम बोलेंगे रेगनर फिशर को बोला जाता है क्या फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन हम बात करते हैं कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स तो मालोनोबिस का मतलब जिसने अपने जो 5 ईयर प्लान दिए है ना, तो जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड 5 ईयर प्लान है जो रोड मॉडल है सेकेंड 5 ईयर प्लान का, फर्स्ट का मालोनोबिस मॉडल है, तो उसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है हमारे डेटा में, तो उसको बोला था फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब जो स्टैटिस्टिक्स है ये कहाँ से आई है, तो एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी हुआ है, ये आते हैं आपके जो पीएससी के एग्जाम होते हैं लाइक जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लेक्चरर के एग्जाम होते हैं, तो ये जो आपके वर्ड है स्टैटिस्टिक्स ये 3 वर्ड से बनकर बना है, लैटिन का स्टेटस, इटालियन का स्टैटिस्टा और जर्मन का स्टैटिक, इन तीनों का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट, मतलब कैसी सिचुएशन है कैसा डेटा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ड आया कहाँ से स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आप देखेंगे कि लैटिन के स्टेटस वर्ड से आया आपका, इटालियन के स्टैटिस्टा और जर्मन के स्टैटिक वर्ड से, जिसका मतलब हुआ पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, 2 तरीके की स्टैटिस्टिक्स होती है, एक तो होती है प्लूरल सेंस और एक होती है सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस का मतलब में क्या होता है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स की न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, मतलब आप किसी भी जो आपके फैक्ट्स है उसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर दो वो आपकी स्टैटिस्टिक्स बन जाएंगी। मतलब उसकी कैसी सिचुएशंस है, मतलब उसका डेटा किस तरीके की उसकी मतलब उसको जो दिखा रहा है वो किस तरीके की स्टेट है, स्टेट का मतलब होता है कि आकृति किस तरीके की है, पोजिशन किस तरीके की है। ठीक है, अब बात आई कि प्लूरेसेंस में क्या है, तो आपने कहा न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, कि आपके जो भी आपके डेटा फैक्ट्स है तथ्य है उसको आप न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर दो, उस वो क्या हो जाएगी आपकी स्टैटिस्टिक्स। हमने कहा कि ये गर्ल ये बॉय, इसको इकट्ठा करके लिख दो कि 4 गर्ल्स 4 बॉय, इसका मतलब कि स्टैटिस्टिक्स बन गई। ठीक है, मतलब आप कोई भी जो आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल है उसको न्यूमेरिकली लिख देंगे तो क्या बन गई स्टैटिस्टिक्स एज पर न्यू फ्लोरेसेंस। ठीक है, लेकिन इसके देखो फीचर्स, देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, क्या क्या फीचर्स है क्या क्या लिमिटेशंस है। देखो सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, अब इसमें ना एक स्टेटमेंट आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्या ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल डेटा बट ऑल न्यूमेरिकल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, सभी जो आपके स्टैटिस्टिक्स है न्यूमेरिकल डेटा होती है लेकिन सभी न्यूमेरिकल डेटा आपकी स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। मैंने लिखा 4, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स बट इट्स न्यूमेरिकल नंबर, है ना। तो अब मैं लिखता हूं यहां पर क्या 4 गर्ल एंड 4 बॉय, तो ये क्या होगी आपकी स्टैटिस्टिक्स बन गई, लेकिन देखो न्यूमेरिकल भी है और स्टैटिस्टिक्स भी है, तो ये वाली क्या हुई कि स्टैटिस्टिक्स जो है आपकी वो न्यूमेरिकल होगी लेकिन न्यूमेरिकल हो जरूरी की स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, मैनी कॉजेस से आपकी स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट होती है, कोई भी स्टैटिस्टिक्स होता है कोई भी रिजल्ट होता है, फॉर एग्जांपल आपके जो मार्क्स है वो आपके अफेक्ट होंगे। एक बार बताओ, मैंने लिखा 80 मार्क्स, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है, क्यों, हाँ कि 80 मार्क्स कितने में से, आपके 100 में से है 1000 में से, अब अगर हम इसको कंपेयर करके 100 में से 80 देखे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स हो गए, लेकिन वहीं 1000 में से 80 देखे तो कुछ भी मार्क्स नहीं है, तो जब तक इसका रिलेशन नहीं बनाएंगे ना किसी के साथ तो ये स्टैटिस्टिक हो ही नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद आया देखो जो स्टैटिस्टिक होती है उसकी रीजनेबल एक्यूरेसी होती है ना, रीजनेबल एक्यूरेसी, और ये देखो आपके जो मार्क्स आपके बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट करेंगे, आपकी खुद की स्टडी, मतलब बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी भी रीजनेबल होती है और प्लेस्ड होता है इन रिलेशन टू ईच अदर, 80 का 100 के साथ 80 का 1000 के साथ, तो ये क्या होगा एक के साथ दूसरा का रिलेशन होता है, आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हो वो इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि आपका प्री डिटरमाइंड आपका पर्पज है ऑब्जेक्टिव है, आप यहाँ बैठे हो तो भी एक ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए भी कोई स्टैटिस्टिक आप कैलकुलेट करो कि हमें इतने मार्क्स चाहिए, एम कॉम कर रहे हो एम कॉम में इतने परसेंटेज होंगे तो हमारा, मतलब ये क्या कि आपको आप जो भी स्टैटिस्टिक आप निकाल रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि वोट कास्ट होंगे उसके बाद उसकी काउंटिंग होगी, तो काउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसमें कौन जीता किसको विनर बनाना है, समझे ना, तो
तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स आपकी काउंट की जा रही है, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है और आपकी सिस्टमेटिक क्या, अभी तो बताया ना कि ये 80 था 100 था, अभी 80 की क्या वैल्यू है कुछ पता नहीं लगा, लेकिन 80 को तो रिलेटेड किया गया दूसरे के साथ तो पता लगा। अभी हम यहाँ पर एक और देखो, आपके ना आपकी इनकम, आपकी जो इनकम है वो आपकी 1000 रुपये पर मंथ, इसे ये बता सकते हो कि आपकी अच्छी इनकम है बुरी इनकम है, नहीं पता लगा। आपको पता तब लगेगा जब आपको इसको कंपेयर करोगे, बी ना सिर्फ 200 रुपये ही कमा रहा तो आपको लगेगा अच्छी है, अब जो सी है वो कमा रहा है 1,00,000 रुपये तब आपको लगेगा बुरी है। तो जब तक तो किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाओगे इसका तो पता नहीं लगेगा कि अच्छा है बुरा है, डेटा क्या है ना। हमारे 1000 वोट आए, दूसरे को कितने हैं उसी पता लगेगा कि आप जीते या वो जीता है ना। सिस्टमेटिक मैनर में आपका कैलकुलेट होता है। ये तो हुआ प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस में जस्ट लाइक ए साइंस फॉर कैलकुलेशन, मतलब आप साइंस एक साइंस की तरह काम कर रहे हैं जिसमें आप डेटा के कैलकुलेशंस कर रहे हो, मतलब पूरी एक प्रोसेस डेटा के आइडेंटिफिकेशन से लेकर उसके इंटरप्रिटेशन तक का को डेटा कर रहे हो, उसको स्टैटिस्टिक्स आ गया। देखो कैसे प्रोसेस ऑन साइंस विच वी डील विद द टेक्निक्स, क्या है टेक्निक्स एंड मेथड किस चीज़ के लिए, फॉर कलेक्शन और क्लासीफाइंग प्रेजेंटिंग एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। पूरी आ गए इसमें आइडेंटिफाई एंड आइडेंटिफिकेशन से लेकर कलेक्शन, फिर आपने क्या किया उसका क्लासीफाई कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, एनालाइज कर दिया और रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन कर दिया, तो वो क्या होगी स्टैटिस्टिक्स। किसमें सिंगुलर सेंस में, प्लूरल सेंस में जस्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, व्हाइल इन सिंगुलर सेंस आपका क्या कहोगे पूरी जो भी आपके जितने भी टूल्स टेक्निक्स टेक्निक मेथड्स है जिससे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, उसको क्लासीफाई कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, रिजल्ट निकाल रहे हो, वो आपकी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी फीचर्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है साइंस फॉर कैलकुलेटिंग, ठीक है साइंस फॉर एवरेजेज। इसकी देखो डेफिनेशन, ये देखो क्रोक्सटन एंड काउडन की आई हुई है, एक बार कौन सा था वो बिहार PSC के एग्जाम में आई थी कि ये किसकी डेफिनेशन, बिल्कुल एजिटी लिखी थी और पूछा गया था क्रोक्सटन एंड काउडन की है, बाउले की है, पियर्सन की है, किसकी है, तो ये डेफिनेशन याद रखनी है आपने। क्रोक्सटन एंड काउडन ने बिल्कुल सिंपल से वर्ड लिख रखे हैं, मे बी डिफाइन एज कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, बिल्कुल सिंपल सी है क्रोक्सटन एंड काउडन ने दी थी। ठीक है, एक और डेफिनेशन दी आपकी बाउले ने, स्टैटिस्टिक्स साइंस ऑफ कैलकुलेशन, ये किसकी है बाउले की। ठीक है, और इसकी फीचर देखो जो आपकी ये है कलेक्शन प्रेजेंटेशन, यही कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये इसकी क्या हो गई है फीचर्स हो गई है। आया समझ में, यहाँ तक दोनों में नहीं क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसकी स्कोप की बात करें क्या क्या आता है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स जो नेचर है ना, इसका नेचर में ये साइंस भी है और आपकी आर्ट भी है। हर कोई स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं कर सकता, जिसको आता वो आर्टिस्ट हो गया स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने वाला। और इसमें देखो बहुत टूल्स एंड टेक्निक्स लगते हैं, टी टेस्ट लगता है, एवरेज निकाला लगता है, सब कुछ लगता है, तो ये क्या हो गया साइंस, मेथड्स यूज़ होते हैं, टेक्निक्स यूज होते हैं, ये क्या होगा आपकी साइंस भी होती है। ठीक है, उसके बाद आया सब्जेक्ट मेथड, दो तरीके की होती है, एक तो डिस्क्रिप्टिव और एक होती है आपकी इन्फ्लुएंशियल। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है, अब आपने थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, कोई भी ऐसी वैल्यू या कोई भी ऐसी स्टैटिस्टिक्स जो कोई भी आपका टूल जो किसी के बारे में करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताए तो वो तो होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और जो आपके लिए कोई रिजल्ट निकाल के दे, इन्फ्रेंसेज निकाल के दे, तो उसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मेरे को बताइए, आपने निकाल दिया कि आप तीनों के जो एवरेज है ना, एवरेज मार्क्स वो 70% है, बताओ ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है या आपकी इन्फ्लुएंशियल। मींस बस ये बताया हमें कि आपके 70% नंबर है, तो मतलब मीन ने क्या किया आपको डिस्क्राइब करके दे दिया। ठीक है, अब दूसरा काम ये किया कि आपकी एक मेडिसिन का इफेक्ट देखा गया दूसरे पर, जो कि टी टेस्ट करता है, काई स्क्वायर करता है, तो बताइए वो इन्फ्लुएंशियल बनेगी या आपकी डिस्क्रिप्टिव बनेगी, क्यों रिजल्ट क्या आया, समझ में आ गया ना। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करें, मीन ये काम करेगा, डिस्पर्जन है ये काम करेगा, मूवमेंट्स ये काम करेगा, क्रोटोसिस ये काम करेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे मल्टीपल रिग्रेशन हो गया, इम्पैक्ट चेक करना है तो वो लग जाएगा, टी टेस्ट एफ टेस्ट जज अनोवा ये सब आपके काम करेंगे इन्फ्लुएंशियल का। दो तरीके की स्ट्रेटजी समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद आया देखो ये, देखो
डिस्क्रिप्टिव में क्या आया, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड आ गया, डिस्पर्जन में आया, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब आ गया, रेंज हो गया, स्क्यूनेस आया, जितने भी आप मेजर करेंगे, कर्टसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है, ओके। उसके बाद आया इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल का मतलब जिसके बेसिस पर रिजल्ट निकालेंगे, जिसमें हमने बात की कि टी टेस्ट, अनोवा, ये सब आएंगे। एक ये देखो, एक जी सी वेल्स की ने स्टेटमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज नहीं आगे आने टाइम में बड़ी प्रैक्टिकल हो जाएगी। क्या स्टेटमेंट है, स्टैटिस्टिकल थिंकिंग विल बी वन डे इज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट सिटीजनशिप एज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। जैसे अभी आज आज की रिक्वायरमेंट है कि आपको पढ़ना आना आता हो और लिखना आता हो, कि उस एफिशिएंट सिटीजनशिप के लिए आने वाले टाइम में डेटा जो है ना, डेटा वो आपके लिए बहुत नेसेसरी हो जाएगा। रीजन, आपको पता होगा कि भाई गवर्नमेंट कहते हैं हमने 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए, अब ये एफिशिएंट है या नहीं है ये तब पता लगेगा कि दूसरी गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया था, अब गवर्नमेंट के पास कितना फंड था और कितना खर्च कर सकती थी, कितना खर्च करना चाहिए था। जब तक आपको डेटा नहीं पता लगेगा तब तक आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि गवर्नमेंट अच्छी है या बुरी है। जैसे कि क्या हुआ था कोविड के पीरियड में 20 लाख करोड़ का पैकेज इश्यू हुआ, अब वो अच्छा है या बुरा है कैसे पता लगेगा, वो दूसरे देखा जाएगा यूज कहाँ हुआ, डेटा कैसे आया। जब तक आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं पता लगेगी तब तक आप नहीं बता सकते। इसलिए लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स आपका क्या होगा, एक दिन आपका थिंकिंग, सोचना नेसेसरी हो जाएगा, एक एफिशिएंट सिटीजनशिप की तरह, जैसे रीड एंड राइट की तरह, ठीक है। इसकी लिमिटेशन देखो, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। आपका क्या है, स्टैटिस्टिक्स किया है एक बार क्वेश्चन नेट में, क्या कि क्या लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की। देखो, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है तो ये स्टडी करेगा, अदरवाइज स्टडी हो ही नहीं सकती, है ना। दूसरा आपका आया एग्रीगेट ओनली, एग्रीगेट में स्टडी करेगा, ये नहीं कि आपकी ऐसे आपने लिख दिया 5 बोल नॉट स्टैटिस्टिक्स, ऐसे 6 गर्ल तो भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। 5 बोल 5 गर्ल्स तो कहीं स्टैटिस्टिक्स जाके बनते हैं कि हर एक गर्ल्स के लिए रिजल्ट निकला कि हर एक गर्ल्स के लिए 1 बोल अवेलेबल है, लाइक दिस, ठीक है। कोई अकेला मेथड नहीं है, होमोजेनिटी ऑफ डेटा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप कंपेयर कर सकते हो इस चीज को कि 5 apples 10 car, कोई नहीं ना। तो डेटा आपको कंपेयर करना तो होमोजीनियस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके परसेंटेज आई 80% और आप कंपेयर करो यूपीएससी वाले के, उनके तो 50% नंबर आते हैं जब वो रैंक फर्स्ट आती है, तो आपके तो नंबर 80% है, तो ये कंपैरिजन नहीं होगा। नेचर सेम होनी चाहिए तभी तो कंपेयर बनेगा ना, है ना। तो इस तरीके से है। उसके बाद है आपका रिजल्ट एवरेज बेसिस पे ट्रू होते हैं, जरूरी नहीं कि ठीक होंगे आपके। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट मे प्रूव रॉन्ग, रेफरेंसेज आपके रिजल्ट की क्या प्रूफ है, कहाँ से लिया डेटा, तो आपके रेफरेंसेज दोगे तो आपके रिजल्ट एक्यूरेट मान लिए जाएंगे, ठीक है। और एक्सपर्ट ही यूज कर सकते हैं, जिसको पता है टी टेस्ट कैसे लगेगा वही लगा पाएगा, ठीक है। और आके एक और यूलर किंडाल ने दिया, हाँ, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर मोर डेंजरस टूल इन द हैंड ऑफ एन इनएक्सपर्ट। इनएक्सपर्ट के हाथ में अगर आप डेटा दे रहे हो ना तो एक मोर डेंजरस, मतलब वो उसको कैसे भी दिखा सकते हैं। देखो इसका क्या है, आपको बताता हूँ मैं। कोविड की सिचुएशन थी इंडिया में, तो कोविड की सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट क्या करती, जब वैक्सीन लगने की बात आए तो कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, कि वहाँ पर जो वैक्सीन लगी है वहाँ लगी है 10,000, हम दिन की 1 लाख लगा रहे हैं, 2 लाख लगा रहे हैं, है ना। कोविड की जब बात करें तो कंपेयर करें यूएसए के साथ, यूएसए में इस साल 16 आज के दिन 16 लाख केस आए, हमारे यहाँ 1 लाख ही आए, बात समझ रहे हो। अब पाकिस्तान और उसमें कोई कंपैरिजन है कि आप कंपेयर, डेटा मतलब मैनिपुलेशन बहुत होती है डेटा में, कंपैरिजन के साथ में परसेंटेज में जो डेटा आप ये दिखाओगे, हाँ नहीं वो भी तो देखा ना कि स्ट्रेंथ आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो। आपके रिजल्ट अच्छे आए एज कम्पेयर टू जो फेल हो गया, क्या फ़ायदा, कंपेयर करो जो टॉपर के साथ है, लाइक दिस, है ना। तो यही बात है कि जब आपको अच्छा दिखाना है किसी चीज़ में तो उसके साथ दिखा दो, उससे अच्छा दिखाना तो उससे दिखा दो, कमजोर के साथ कभी वीक के साथ, आए समझ में। तो इस तरीके से आपका ये मिसयूज़ बिल्कुल ही पॉसिबल, अभी दिखा दिया आपको। और ये सिर्फ एक मीन्स, मतलब आपके पास सोल्यूशन नहीं कम्प्लीट, एक इसका जरिया है, इसे सोल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है।
और एक ये हो रहा है कि इसके रीजंस क्या है डिस्ट्रस्ट ऑन स्टैटिस्टिक्स, आप स्टैटिस्टिक्स पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते। तो देखो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ऑब्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हो। आपके नंबरों से आप मीन भी निकाल लो, मीडियन भी निकाल लो, मोड भी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो और सबके अपने अपने कंक्लूजन निकलेंगे। तो मतलब एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन कौन सा बेस्ट है ये नहीं पता लगता, तो इसलिए डिस्ट्रस्ट बनता है इस पे। दूसरा स्टैटिस्टिक्स कैन बी अल्टर्ड, देखो बिल्कुल ठीक बात है, ये जो पीएचडी लोग कर रहे होते हैं ना इनको जो रिजल्ट चाहिए होता है वही लेके आते हैं लास्ट में, शुरू में पता होता है क्या लेके आना होता है। डेटा नहीं मिला उसके अकॉर्डिंग, डेटा सेट नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू, चेंज करके उसको वैसा ले आते हैं। तो प्री डिटरमाइंड अल्टर्ड करके और डेटा को चेंजेस करके उसमें मॉडिफिकेशन करके अपना रिजल्ट निकाल लें। किस चीज़ का प्रूफ? इट इज जस्ट एन एकेडमिक डिग्री और एकेडमिक डिग्री के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन सच ए मैनर एज टू कंफ्यूज द रीडर। ऑथेंटिक डेटा है कि हमें 1,00,000 का वो लगाया है, वैक्सीन लगाई है, तो कंपेयर तो पाकिस्तान के साथ करती है। ऑथेंटिक डेटा है कि हमारे यहाँ केसेज आए हैं 1,00,000, कंपेयर कर दिया किसके साथ, USA के साथ 15,00,000 केसेज आए, पाकिस्तान के साथ जबकि पाकिस्तान में 10,000 ही केस आए थे, वहाँ कंपेयर नहीं किया। बात समझ में आ गई ना? तो ये देखो ऑथेंटिक डेटा होते हुए भी उसको कन्फ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। और एक ये देखो वैन स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन ए पार्शियल मैनर द रिजल्ट्स आर मोस्टली रॉन्ग। पार्शियल मैनर में मतलब 10 बच्चों का डेटा निकालना है, 2-3 का कैलकुलेट करके उस पर रिजल्ट निकाल दिया तभी खराब होगा। दूसरा एक और ये तो पार्शियल मैनर इस तरीके की सैंपल कम दिया। दूसरा ये देखिए आप सब्जी बना रहे हो आप, और सब्जी आपने ना उसको ऐसे नहीं किया, उसको मिक्स नहीं किया और ऊपर ऊपर से तो जल्दी गर्म हो जाएगा, तो आपने कहा ऊपर ऊपर से बन गई ठीक है, तो ख़राब है ना वो, तो मतलब कि पार्शियल मैनर में कि उसको पूरे को चेक ना करके तो भी आपका रिजल्ट खराब आएगा, ठीक है। आया समझ में? तो बिल्कुल आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। देखो आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है,